पता है ये खूबसूरत सा नज़ारा इतना खूबसूरत ना होता अगर ये अनजान लोग मेरे खास ना बनते, और मैं भी निकल पड़ा हूँ इस अनजान से सफ़र पे कुछ अनजानों के साथ अपने आप को जाने। तो हेलो जी, गुड मॉर्निंग फ्रॉम साकरी, एंड टुडे इज 31st of December, लास्ट डे ऑफ 2020। तो हम लोग सब तैयार है, सारा सामान पैक कर दिया और जो बाकी छोड़ा सामान नीचे छोड़ना था वो सारा भी रखवा दिया। गोइंग फॉर ब्रेकफास्ट, और टाइम हो रहा है अभी 9:33 और मे बी 10 बजे तक निकल जाएंगे। लेट्स हैव ब्रेकफास्ट एंड लेट्स मीट यू इन द ट्रैक। आज हम जा रहे हैं जुड़ा जुड़ा तालाब, सुन रहे हो ना सब लोग? ध्यान से। तो रास्ते में बहुत सारे लोग हैं, मूल्स आती है, ठीक है, काफी सारी कंपनियां है, बहुत सारे लोग चलते हैं, तो आप जब हमारे पीछे चलोगे तो एक साथ चलना है, ठीक है, क्योंकि इधर उधर हो जाते हैं, क्योंकि मैं एक ही हूँ आपके साथ, पीछे भी देखना और आगे भी देखना, ठीक है, तो आप एक ग्रुप है और एक ग्रुप के साथ चलना है, ठीक है, ओके। तो भैया टाइम इज 10:12 और वी आर लिविंग फॉर जुड़ा का तालाब। ये सारे हैं हमारे साथी जो अपने अपने कामों में लगे हुए हैं, बैग वैग टाइट करने में। दिस इज द व्यू फ्रॉम हियर। ऑल रेडी भाई फॉर जुड़ा का जनाब? ऑल रेडी सारे सारे। तो भाई फाइनली अपना जो ट्रैक है वो हो चुका है स्टार्ट, एंड हम लोग निकल पड़े हैं साकरी से, और हमारे साथ भाई हैं। लाइन में रहिए और डिसिप्लिन के साथ। हाँ, एक चीज़ भाई, जब भी कभी केदारगंठ आओ तो याद रखना कि आप जब जाओगे ट्रैक करने तो ऐसे लाइन में जाना, लाइन में तोड़ना, डिसिप्लिन ज़रूरी है। और पता चलो अभी देखते हैं बर्फ़ कहाँ से स्टार्ट होती है और एक्चुअल वाला जो ट्रैक है ना वो पहाड़ वाला वो कहाँ से स्टार्ट होगा। फिलहाल तो रोड में चल रहा है, तो जुड़े रहे हैं। तो भाई ये यहाँ से शायद चढ़ाई स्टार्ट है, ये है यहाँ पर लिखा हुआ है साकरी बेस कैंप। लेट्स बिगिन। तो भाई अब रोड वाला रास्ता ख़त्म एंड चढ़ाई वाला रास्ता स्टार्ट। थोड़ी थोड़ी बर्फ़ भी पड़ी हुई है, तो इसको गिरे तो आवाज़ लगाना, वो जो गिरे हुए हैं वो गिरे तो कोई दिक्कत नहीं है, आगे बिचाले का ध्यान रखना। चढ़ाई स्टार्ट को भी ले जाओ, एंड थोड़ा सा है तो उबड़ खाबड़ सा, बट विल डू इट। स्क्वाट्स मारे हैं? स्क्वाट्स काम नहीं करते हैं भाई, उनका फायदा होगा। स्क्वाट्स स्क्वाट्स पे फर्क नहीं पड़ता, जिसने कार्डियो ज्यादा मारा ना उसका फर्क पड़ता है। तो भाई आ चुके हैं अप्रॉक्सीमेटली 500-600 मीटर आ चुके हैं। यहाँ से थोड़ा सा व्यू तो अच्छा सा आया और ठीक है, मुंसियारी वाला जो खरिया ड्रॉप ट्रैक था उससे तो थोड़ा सा इजी लग रहा है और सांस भी कम फूल रहा है, तो जो ट्रेनिंग उन्होंने करी थी जिम में ट्रैक के लिए वो काम आ रही है। बढ़िया। सब्सक्राइब द चैनल। तो ये भाई हमारे अब तो सारा ग्रुप मिक्स मैच हो गया, ये सारे अपने मिक्स मैच हो गए भाई, कितने सारे लोग हैं। हेलो सरदार, तो यहीं पर है। हाँ भाई सिग्नल तो यूज़ कर लो भाई, सिग्नल बना हो गया। अप्रॉक्सीमेटली 1 किलोमीटर हो चुका है अभी बचा, 1 किलोमीटर जी घंटा हो गया 1.5 मान लो ना। अरे मान क्या लो, नहीं हुआ जब मुझे पता है 1 किलोमीटर हो चुका है और अभी 3 किलोमीटर 3.5 किलोमीटर और बचा, काम 25 कर देंगे भाई। 1.5 किलोमीटर हो चुका है मेरे हिसाब से, अभी बचा यार 3 किलोमीटर और हो जाएगा। Doesn't look like a tough track, but it's okay. Moderate है यार ये सारा ट्रैक में ना, शॉर्ट्स लेना थोड़ा मुश्किल हो रहा है क्योंकि बर्फ़ जो है पिघली हुई है और काफ़ी स्लिप मार रहे हैं शूज़। एंड यहाँ पे एक और ये ढाबा है पीछे स्टॉल, तो आई गेस 1.5 से 2 किलोमीटर तो शायद 1.5 किलोमीटर तो हो गया, 2 किलोमीटर कह रहा हूँ, और अभी 50% हो चुका है, 50% रहता है, मज़ा तो आ रहा है और इतना ज़्यादा सांस तो नहीं फूल रहा, इट्स ओके। एंड थोड़ा सा टफ है बट इट्स ओके। और इसकी बैंड को टंडन आडन कितनी भैया, यो भैया अरे क्या करूं क्या यो बेटा अरे तो ब्रेक यो बाबा मैं जा 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 तेरा भाई इससे कम है। और पता है
ट्रैक की सबसे खूबसूरत चीज क्या है? माना कि रास्ते कठिन है, लेकिन ये जो खूबसूरत नजारे है ना, ये बर्फ, ये पेड़ पौधे, नहर, ये जो फीलिंग है ना, बस मानोगे सारी बात इस फीलिंग पर आके रुक जाती है। तो भाई हम फाइनली इस लोकेशन पे पहुंचे हैं कहीं, यानी यहाँ पे ढाबा है और पीछे यहाँ पर टी पॉइंट है और कैंप्स भी लगे यहाँ पर एंड लेमन टी। यहाँ तक की जर्नी तो बोल रही थी, कैसा लगा दर्शित भाई? बहुत सही है भाई, हाँ मज़ा। और ये तो भाई इतनी तेज तेज भाग रहे हैं कि मैं आपको बता ही नहीं सकता, इनको पकड़ना बहुत ही नेक्स्ट टाइम पहुँचना। मैं नीचे जाऊँ मैं दर्शित भाई की आवाज़ नहीं सुनी जा रही है। हाँ बट नाइस, आई लाइक इट, मज़ा आ रहा है, एक नंबर। तो यार यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है ना कि यहाँ पर थोड़ा लाइट का इशू रहता है, तो सब कुछ रात को ही चार्ज कर लो। मैंने कैमरा रात को चार्ज कर लिया था, देखते हैं अभी ये कल परसों तक चलेगा नहीं चलेगा। नहीं चलेगा तो आईफोन भी 100% है। चले लेट्स एंजॉय लेमन टी और आपसे मिलते हैं रास्ते में, एक नंबर मज़ा आ रहा है। तो भाई यहाँ से भी हम लोग निकल चुके हैं, अब ये जो टी पॉइंट था बहुत कीचड़ हो रखा है। 1:20 अपनों ने ट्रैक स्टार्ट किया था अप्रॉक्सीमेटली 10:15 पर, तो 3 घंटे हुए एंड हमने ऑलमोस्ट 60-65% तो कंप्लीट कर लिया। क्यों दर्शित भाई? 50% से ऊपर हो चुका है, 60% ट्रैक कर चुके हैं यहाँ से। हाँ मोस्ट प्रोबेबली 1.5 घंटा या मैक्सिमम 2 घंटे एंड वी विल बी एट जूदा का तालाब। तो आप जुड़े रहें, व्यूज़ अच्छे होते जा रहे हैं और अभी तो बहुत ही अच्छा लग रहा है यार। एक नंबर बाबा, एक नंबर। भाई लगता है फाइनली हम जूदा का तालाब पहुंच गए हैं, मे बी लुक्स लाइक, क्योंकि बोर्ड तो लगे हुए हैं कि जूदा का तालाब है 7-800 meters। तो अभी फ़िलहाल तो मेरे पीछे ये व्यू है। अभी यहाँ पे यहाँ चढ़ना, ऊपर खड़े हैं दर्शित भाई। अब तो हम काफ़ी पहुंचने वाले और 10-15 मिनट या मैक्सिमम 20 मिनट कह रहे हैं, वो सामने ऊपर ही है, तब जाके आपको दिखा दे जूदा का तालाब। चलो 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 आओ 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 10 मिनट और एंड जूदा का तालाब तो यहीं पे है। और हमारे साथ ना इतने मतलब नेक्स्ट लेवल ट्रैकर्स आए हुए, एडवांस लेवल ट्रैकर्स। पीछे वो ट्रैकर्स दिख रहे हैं, ट्रैकर्स ये नेक्स्ट लेवल एडवांस ट्रैकर्स हैं, ये पहले माउंट एवरेस्ट भी चढ़े हुए हैं और यहाँ नहीं चढ़ पा रहे हैं। और मैं चढ़ा मेरी घर की सीढ़ियों से ऊपर तक तीसरी मंजिल तक। तो हमारे साथ एडवांस ट्रैकर्स भी आए हैं, पीकेएम ट्रैकर्स एडवांस। तो हेलो जी, वी आर हियर एट जूदा का तालाब 9311 feet 2838 meters अबव सी लेवल। डेड इट ब्रो, अब जाके अपने कैंप्स लेते हैं एंड मज़े करते हैं मज़े। तो भाई ये है जूदा का तालाब एंड यहाँ का व्यू कुछ ऐसा है, बहुत भीड़ हो रही है, बहुत ज़्यादा भयंकर है, तालाब में खड़े हुए हैं। हाँ इनकी कभी भी ना। तो भाई ये है जूदा का तालाब, आज की डेस्टिनेशन कवर्ड। नाउ इट्स टाइम टू टेक आवर टेंट्स, और हमारे टेंट शायद वो हैं ब्लू वाले, देखो तालाब के सामने। ओह
यार जूदा का तालाब है तो बहुत ही खूबसूरत है उधर ना, वो मुझे लग रहा है शायद वही तो समेट नहीं है कहीं, दिख रहा है वो, पता नहीं मुझे फीलिंग आ रही शायद वही समेट है, अब बाकी भगवान जाने, लेकिन ये प्लेस तो बहुत ही खूबसूरत है। क्या बोलते हो दर्शित भाई? बहुत हार्ड है यार, बहुत हार्ड, बहुत ही सुंदर, बस एक ही टेंशन है कि बैटरी इसका क्या होगा, कैसे चलेंगे बैटरी से। जुदा का तालाब और मैं इस ये फ्रोजन इस टाइम और इस पे चल रहा हूँ मैं, भाई डर लग रहा है मुझे। पूरा ही फ्रोजन है तो यार, पानी निकल रहा है लेकिन इसमें से यहाँ पर तो और ये फ्रोजन लेक के ऊपर ये देखो ये लेक है ये, और ये मैं खड़ा हूँ। क्या ले भाई? और जब साल का आखिरी दिन हो, इतना खूबसूरत सफर हो, इतने खूबसूरत अनजान चेहरों में आपके खास दोस्त तो अच्छा लगता है, और अगर इन्हीं खास लोगों के साथ नए साल की शुरुआत हो तो भाई ये पल तो क्या, पूरा साल ही खूबसूरत होगा ना बाबा। भाई यो हैप्पी न्यू ईयर, 12 बज गए और हम सबकी तरफ से हैप्पी न्यू ईयर। भाई फ्रूट का स्टैंड है, फ्रूट का स्टैंड है, फ्रूट फेस्टिवल के साथ हैप्पी न्यू ईयर सेलिब्रेट करेंगे। सुनता सुनता